सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे भक्तिहीन प्राणी जो होता है आपको कितना त्यार किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक ये तीनों लोक तो पास सिंह रख दे दो, सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक और ऊपर ब्रह्मलोक, और उसके ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक, ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरन की कीमत एक पालड़े में रख दे और तीन लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीले मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी? तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं जो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा लिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है, इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपकी शंकाएं समाप्त हों। अब ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है, और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं और फिर भी मुझे ठंड लग रही है, तो पुण्यात्माओं समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा न्यू कह के उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बावली बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। समझदार व्यक्ति क्या करेगा, स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है, उसके लिए यूं नहीं उसने निकाल के धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ, वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने और उससे भी ना सर्दी फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है। तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड हैं, दान भी, सिमरन भी, नित नियम भी, मर्यादा भी।
और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली, और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे घटन नहीं दे, भक्ति बढ़ानी चाहिए घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला, और ये वो शुभ दिन है, आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले, आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव की।